हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम चौधरी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ कि आप टेनिस बॉल से ऑफ कटर और लेग कटर कैसे फेंक सकते हो। अगर आप फास्ट बॉलर हो और टेनिस के बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं इसमें पूरा बता दूंगा कि आपको बॉल की पोजीशन कैसे रखनी है, आपका फिंगर्स का क्या यूज़ है, आपको बॉल को कहाँ लैंड कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर हो और टेनिस क्रिकेट खेलते हो तो आपने भी ये वेरिएशन कराने की कोशिश ज़रूर की होगी। किसी को फ़ायदा हुआ होगा, कोई नहीं करा पाया होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ऑफ कटर। ऑफ कटर का मतलब होता है जो ऑफ स्पिन टाइप होती है, जैसे ऑफ स्पिन बॉलिंग होती है। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपकी फिंगर्स की पोजीशन है। आपको बॉल को जब होल्ड करना है तो ऐसे होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये कॉस्को की बॉल है। अगर आप इसे ज़्यादा टाइट होल्ड कर लोगे ऐसे तो ये दबेगी, जिसकी वजह से जब आप बॉल डिलीवर करोगे तो बॉल छोटा पड़ेगा और बैट्समैन को आसानी होगी। जब बॉल पड़ के अंदर की साइड आएगा तो लेग साइड में उसे आसानी होगी हिट करने में। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको बॉल बैट्समैन को पहले ही नहीं दिखाना कि आप ऑफ कटर करा रहे हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आपको अपनी फिंगर्स की पोजीशन कैसे करनी है, आपको नॉर्मल बॉल पकड़नी है, ऐसे थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि बॉल पे आप ज़्यादा प्रेशर ना लगा पाओ और बॉल को अच्छा रिलीज़ कर पाओ। तो जब भी आप बॉल को रिलीज़ करने वाले हो तो आपको लास्ट टाइम पे, या आप छुपा के भी ला सकते हो, या लास्ट टाइम पे आपको फिंगर्स को ऐसे करके नॉर्मल ऐसे फेंकना है। और इन दोनों फिंगर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, इनसे ही आपको बॉल को पुश करना है। जो आपकी लास्ट ये दो फिंगर हैं ये ऐसे बंद रहेंगी, थंब का भी आप सपोर्ट कर सकते हो ऐसे, या थोड़ा वाइड भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। और आपको इन वाली फिंगर से पुश करनी है। सबसे पहले आप इसकी एक ड्रिल कर सकते हो। आप नॉर्मली ऐसे खड़े होके बॉल को बस ऐसे थ्रो कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्रिप कितनी करनी है, कितनी टाइट करनी है, कितनी लूज करनी है, और बॉल को डिलीवर कहाँ करना है। फिर आप पीछे से आके बॉल को फेंक सकते हो, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेग कटर, ऑफ कटर आपने देख ही ली, अब है लेग कटर। लेग कटर में क्या है, आपको जो ग्रिप रखनी है वो ज़्यादा वाइड नहीं रखनी। इसमें भी आपको बॉल ज़्यादा टाइट होल्ड नहीं करनी, जब आप बॉल को डिलीवर करो तो ज़्यादा टाइट नहीं होल्ड करनी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बॉल दबेगी और ये फिर छोटी पड़ेगी। तो इसमें आपको नॉर्मल ऐसे अपनी जो हाथ की पोजीशन है ऐसे रखनी है। इसमें क्या है, आपकी जो थर्ड फिंगर है इसका यूज़ होगा। जब आप बॉल को लास्ट टाइम पर डिलीवर करने वाले हो तो आपको ऐसे डिलीवर करनी है जैसे आप लेग स्पिन में डिलीवर करते हो, तो यहाँ से आके ऐसे। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज़ फेंकने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑफ कटर के मुकाबले लेग कटर फेंकना थोड़ा मुश्किल है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बॉल को डिलीवर करो तो यहाँ पे लाके आपको थोड़ा तेज़ छोड़ना है और बैट्समैन के पास छोड़ना है ऑफ स्टंप के बाहर, ताकि वो हिट करने जाए तो बॉल पड़ के बाहर निकले, या अगर क्रॉस मारे तो बॉल ज़्यादा दूर ना जाए, वहीं पे खड़ी हो जाए, कैच हो जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी आप क्या ड्रिल कर सकते हो, पहले आप अंडर आर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको रोटेशन कराना भी आना चाहिए। अगर आप बॉल को घुमाना ही नहीं आता आपको, तो लेग कटर और ऑफ कटर कराना बहुत मुश्किल है, तो आप इसकी अंडर आर्म ड्रिल कर सकते हो। दूसरा, फिर बाद में आप फुल रनअप से आगे बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है, शुभम क्रिकेट अकेडमी।